मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ऑफ प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो ये प्रैक्टिकल भी है हमारे सिलेबस के अंदर, हमें प्रैक्टिकल भी करना है लैब में, और सेम उसी की वर्किंग को यहाँ पर एक्सप्लेन और सेम उसी की वर्किंग को यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो उसका वर्किंग डायग्राम क्या होगा प्यारे बच्चों? सबसे पहले वर्किंग डायग्राम की बात करते हैं। द वर्किंग डायग्राम टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर इज एज शॉन इन फिगर। अब देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड सेल को थ्रू कनेक्टेड वायर, है ना, सबसे पहले हमें एक स्टैंडर्ड सेल को थ्रू कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर लेते हैं, जिसका ईएमएफ ई नोट इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज आर नोट, और ये आपका की है केपी, और ये रियोस्टेट है, और इसका बच्चों फंक्शन क्या होता है, रियोस्टेट लगाने का पर्पस क्या होता है, है ना, टेकिंग मोर देन वन रीडिंग। ठीक है ना, इसकी हेल्प से हम एक से ज्यादा रीडिंग ले सकते हैं इसकी पोजीशन को चेंज करके। ओके, इसके बाद ये 10 मीटर लॉन्ग कॉन्स्टेंटन वायर होता है ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट। ये क्या लगता है प्राइमरी सर्किट, जिस सेल का हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है उस सेल को हम सेकेंडरी सर्किट में लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सर्किट, जिसका ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और इसमें एक ऑन ऑफ करने के लिए की लगा देते हैं के। ठीक है, अब जब भी कभी भी किसी भी सेल का अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उसको शंटिंग करना बच्चों जरूरी होता है, और शंटिंग करने के लिए एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स इसके पैरेलल में अटैच कर देते हैं, जिसमें 1 से 10 ओम तक के रेजिस्टेंस होते हैं, तो इसको कहते हैं लो रेजिस्टेंस बॉक्स। अब यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस सपोज आर ले लेते हैं, जो भी रेजिस्टेंस हमें यहाँ से निकालना होगा, और इन दोनों को थ्रू ए कनेक्टिंग वायर, है ना, हम कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर इस कनेक्टिंग वायर को हम कनेक्ट करते गैल्वेनोमीटर के फर्स्ट टर्मिनल से, सेकेंड टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर के सेकेंड टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं प्यारे बच्चों जोकी से, दिस इज जोकी, और जोकी क्या बताया था मैंने, एक स्लाइडिंग पॉइंट होता है जो पोटेंशियल मीटर वायर पर स्लाइड कराते हैं। ठीक है, क्लियर, दैट इज कॉल्ड जोकी, जोकी से कनेक्ट कर देते सेकेंड टर्मिनल को।
तो ये एक इसका वर्किंग डायग्राम है। अब हमें इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करनी है, यानी कि हमें आर स्मॉल आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बच्चों स्मॉल आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे दो स्टेप किए जाते हैं, ठीक है। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप है सबसे पहले कि केपी को क्लोज करेंगे, कि केपी को क्लोज करेंगे तो करंट का फ्लो होगा प्यारे बच्चों, करंट का फ्लो होगा, ठीक है। और नल पॉइंट की पोजीशन को हम ऑब्टेन करेंगे। सपोज नल पॉइंट हमें मिल जाता है L1 मीटर लेंथ पर और इसको कहेंगे हम A J1 के अक्रॉस नल पॉइंट हमें मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि हमने जो सेकेंडरी सेल था उसमें जो की लगी थी उसको ओपन रखा, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में हमें लेंथ L1 मिल गई, बैलेंसिंग लेंथ, कब, जब सेल इज इन कट ऑफ मोड, जब सेल किस में है, कट ऑफ मोड में है, ओके क्लियर। चलिए तो हमें पहला रिजल्ट हमें मिल जाता है। इसके बाद हम इस सेल में लगी की को क्लोज करते हैं और जो की को जेंटली टच कराते जाते हैं AB वायर पर, यानी कि पोटेंशियोमीटर वायर पर। फिर अगेन नल पॉइंट की पोजीशन हम ऑब्टेन करते हैं, सपोज वो मिल जाता है प्यारे बच्चों हमें किस पर, ये मिल जाता है हमें J2 और ये लेंथ हमें मिल जाती है L2, ये लेंथ हमें मिल जाती है L2 मीटर, ओके क्लियर। ये कब मिलेगी, जब K को हम क्लोज कर देंगे, KB को तो ऑलरेडी क्लोज किया हुआ है, इसको क्लोज कर देंगे और लो रेजिस्टेंस बॉक्स से एक लो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहां पर अब ये सेल डिस्चार्ज होने लगता है थ्रू रेजिस्टेंस R से और इसके अप्रोच हमें वोल्टेज मिल जाते हैं V, ठीक है। तो वोल्टेज अप्रोच AJ2 इक्वल हो जाते हैं V के और यहां पर हम फिर प्रिंसिपल लगाएंगे पोटेंशियो मीटर का। इस तरीके से जब सेल कट ऑफ मोड में होता है तब हमें कैलकुलेट हो जाते हैं EMF ऑफ द सेल और जब सेल डिस्चार्ज होता है थ्रू रेजिस्टेंस R तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल ऑब्टेंड हो जाते हैं, ओके। इस तरीके से हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल E/V-1 इंटू आर के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए वर्किंग स्टेप वन फर्स्टली क्लोज द की KP एंड ओपन के ना मूव द जो की जेंटली ऑन पोटेंशियोमीटर वायर टू गेट null point at J1 left such that AJ1 equal to L1 meter. So using potentiometer principle, VAJ1 proportional to L1 और यहां से डायरेक्ट हमें EMF ऑफ द सेल मिल जाएगा E proportional L1। ये लेंथ कब है प्यारे बच्चों, ये लेंथ तब मिलेगी हमें जब when cell is in
बच्चों जब न्यूमेरिकल आएगा तो ये स्टेटमेंट दिए जाएंगे। तो अगर कट ऑफ मोड पे है तो हमें बैलेंसिंग लेंथ L1 मिलेगी, तो यहाँ से E इक्वल टू के L1। K क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। L1 क्या है? बैलेंसिंग लेंथ व्हेन सेल E इज इन कट ऑफ मोड। तो ये इक्वेशन वन मिल जाती है। स्टेप सेकंड में अब हम क्लोज करेंगे कि K को भी, ठीक है ना। नाउ क्लोज द ई के ऑल्सो एंड टेक आउट सम लो रेजिस्टेंस आर फ्रॉम लो रेजिस्टेंस बॉक्स। नाउ मूव द जॉकी जेंटली, मूव द जॉकी जेंटली ऑन पोटेंशियोमीटर वायर, ऑन पोटेंशियोमीटर वायर to get null point at J2 such that AJ2 equal to L2 meter. Okay, so using principle of potentiometer, यहां पर जब प्यारे बच्चों K को close करेंगे तो सेल ई डिस्चार्ज होने लगेगा थ्रू रेजिस्टेंस आर। तो वी ए जे टू प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल टू लेंथ के, और ये वोल्टेज अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में मिलेंगे अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। ओके, तो वी प्रोपोर्शनल टू एल टू कब है? ये एल टू बैलेंसिंग लेंथ कब है? When cell E is discharge होने लगता है through resistance R, ये तब। तो यहाँ से proportionality sign हटा देंगे बच्चों, V equal to K potential gradient L2, ये equation मिल जाती है हमें second equation मिल जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई प्यारे बच्चों, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन और दिस इज सेकंड इक्वेशन, ये मिल जाती है हमें सेकंड इक्वेशन। ओके, अब दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, है ना। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, हमें वैल्यू मिलेगी E बाय V। कितनी मिलेगी? E बाय V, और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट The internal resistance of a primary cell is E by V minus 1 into capital R, ठीक है। तो इस तरीके से उस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देंगे, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो बच्चों बाय इक्वेशन 1/2 वी गेट ई बाय वी इक्वल टू के एल वन अपॉन के एल टू, तो ये मिल जाएगा एल वन अपॉन एल टू। ओके, और वी नो दैट internal resistance of primary cell
प्राइमरी सेल कितना होता है, आर इक्वल टू होता है फॉर्मूला E by V माइनस वन इंटू कैपिटल R। तो R की वैल्यू मिल जाती है हमें L1 by L2 माइनस वन इंटू कैपिटल। ओके, ये अब डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग लेने के लिए 1 ओम का निकाले 1 ओम रख दो यहाँ पे, फिर 2 ओम का निकाले प्यारे बच्चों 2 ओम रख दो। सब के लिए हम बैलेंसिंग लेंथ L1 और L2 कैलकुलेट करते जाते हैं। इस प्रैक्टिकल के अंदर आप देखेंगे कि जो बैलेंसिंग लेंथ L1 है वो सब आपका स्टेप के लिए सभी रीडिंग के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। केवल क्या चेंज होती जाएगी, L2 क्या चेंज होती जाएगी, L2। ठीक है, तो बैलेंसिंग लेंथ केवल हमें फर्स्ट रीडिंग में ही लेनी होती है और वही सभी के लिए फिक्स रहती है। बस हमें फिर क्या करना है, रियोस्टेट की पोजीशन को चेंज करते जाना है और फिर यहाँ से आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लो, फिर चेंज करो 3 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लो। इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग लेके आर कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो हमें पता चल जाता है किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किस रेंज में वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, थैंक यू।